प्रॉब्लम सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर. सर्कल इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल. यहां पे ए है, मैं लिखने भूल गया. सेगमेंट ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट सेगमेंट. क्वेश्चन में बोल दिया हम लोग ने ए बी टेंजेंट सेगमेंट है, ए सी भी टेंजेंट सेगमेंट. यानी बी कौन हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सी कौन हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. फिर रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर. रेडियस बोल रहे आर. रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बोल रहे आर. यानी ओबी भी रेडियस है, ओ से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बी है वो भी रेडियस है, ओ से लेके सी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो भी कौन है रेडियस. कौन है रेडियस. तो उन लोग ने बोले रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर. पे अटेंशन हियर और गो. ओबी भी आर और ओसी भी आर है ना. तो मैं इधर लिख के बताऊंगा. उन लोग ने क्वेश्चन में बोले रेडियस ऑफ द ये मैं अच्छा आगे तो पढ़ो क्या बोल रहे. लेंथ ए बी दे रहे आर. वाओ लेंथ ए बी भी क्या बोल रहे आर. प्रूव दैट ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर. कोऑर्डिनेटरल में वो क्या प्रूफ करने का है. टू प्रूव क्या प्रूफ करने का है कि कोऑर्डिनेटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर. स्क्वायर किसको बोलते हैं जिसकी सब साइड इक्वल और सब एंगल 90 डिग्री. सब साइड इक्वल और सब एंगल 90 डिग्री. प्रूफ उन लोगों ने क्वेश्चन में बोल दिया कि रेडियस आर है. आई नो ओबी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है. तो बताओ ओबी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू आर. ये इक्वेशन नंबर वन. ये इक्वेशन नंबर वन. और इधर लिखो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अच्छा ये सर्कल है विथ सेंटर ओ. करेक्ट. ए कौन है एक्सटर्नल पॉइंट, बी कौन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सी कौन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन रहेगा टेंजेंट. और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनते वो क्या रहते इक्वल. यानी जो वैल्यू ए बी की वही वैल्यू ए सी की है ना. तो लेट क्या लिखूंगा लेट, क्योंकि ए बी की वैल्यू लोग ने आर दिए, ए सी की वैल्यू आर ने दिए. अगर ए बी आर तो ए सी भी आर, दोनों टेंजेंट इक्वल रहेंगे. ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर. ये इक्वेशन नंबर टू. ए बी आर दिए ना तो ए सी भी क्या हो जाएगा आर. और रीजन क्या लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम फ्रॉम वन एंड टू. ओ बी बी आर, ओ सी बी आर, ए बी बी आर, ए सी बी आर. तो सब सेगमेंट क्या हो गए कॉन्ग्रेंट. सब कॉन्ग्रेंट क्या हो गए कॉन्ग्रेंट. ए सब सेगमेंट क्या हो गए कॉन्ग्रेंट. तो चलो बताओ ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है ना. ओ बी इज इक्वल टू ओ सब इक्वल हो गए. कैसे फ्रॉम वन एंड टू. फ्रॉम वन एंड टू अगर सब साइड इक्वल है तो ये क्या हो गया रॉम्बस. सब साइड इक्वल हुआ तो क्या हुआ रॉम्बस. अभी तक ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है. अभी तक ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या. नहीं अभी तक ये 90 डिग्री नहीं दिखा. तो पहले ये लिख के बताओ ये इक्वेशन नंबर क्या है थ्री. इन क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का नाम जो दिए वो लिखो. ए बी ओ है ये ओ सी. इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी ये सब साइड इक्वल है. यानी सब साइड इक्वल है तो सब साइड क्या हो गई कॉन्ग्रेंट. और कभी भी कॉन्ग्रेंट लिखेंगे तो सेगमेंट लिखो. सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ सी. सब साइड इक्वल है तो फिलहाल अभी सब साइड इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ रॉम्बस. इज अ रॉम्बस. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ए बी ओ सी इज अ रॉम्बस. कैसे मालूम पड़ा रॉम्बस वो कोऑर्डिनेटर है जिसकी सब साइड इक्वल. लिख दो बाय डेफिनेशन. क्या लिख देंगे डेफिनेशन. डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ वो कोऑर्डिनेटर जिसकी सब साइड इक्वल है वो कौन है रॉम्बस. बट रॉम्बस थोड़ी प्रूफ करना है, तुम्हारे को प्रूफ करना है स्क्वायर. स्क्वायर और रॉम्बस में क्या फर्क है, दोनों की सब साइड इक्वल है लेकिन उसमें से स्क्वायर के एंगल सब 90 डिग्री है लेकिन रॉम्बस के सब एंगल 90 डिग्री नहीं है. अगर एक एंगल भी रॉम्बस का 90 डिग्री हो गया, ये रॉम्बस है ना फिलहाल अभी, अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हुआ
एक एंगल, एक एक एंगल भी अगर रोम्बस का 90 डिग्री हुआ तो वो रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर। रोम्बस क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखो एक क्या, तुम्हारे को दो दो 90 डिग्री दिख रहे, ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री। अरे एक क्या, मैंने तो दो दो 90 डिग्री बता दिया रोम्बस के अंदर, तो ये रोम्बस कौन हो गया, स्क्वायर। तो फिलहाल तुम लोग एक ही बताओ एंगल, समझे ना, ऐसे तो दो दो बता दिया। एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रेडियस टेंजेंट से क्या रहता है, परपेंडिकुलर, है ना, रेडियस टेंजेंट से क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। कभी भी तुम लोग अगर रेडियस को टेंजेंट से परपेंडिकुलर बताएंगे या रेडियस और टेंजेंट की मदद से कोई एंगल को 90 डिग्री बता रहे तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल बता रहे तो लिखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर ये रोम्बस है, रोम्बस है ना, इट इज अ रोम्बस, लेकिन एक एंगल क्या, मेरे को तो दो दो एंगल 90 डिग्री दिख रहे, लेकिन अगर रोम्बस का एक एंगल भी 90 डिग्री दिख गया, वो रोम्बस रोम्बस नहीं हुआ, वो कौन हो गया, स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, अ रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ 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 वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल। अ क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर। क्यों ये स्क्वायर हो गया, रोम्बस स्क्वायर क्यों हुआ, तो मैंने बोला ना अगर रोम्बस का एक एंगल भी 90 डिग्री दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे एक क्या, मैंने तो दो दो बताया, ये तो 100% स्क्वायर, एंड इट इज अ स्क्वायर। और रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।